मेरी पहली ट्राई है और मुझे लग रहा है कि काफी ज्यादा अच्छे आए हैं। सो कल मैंने बनाए थे कुलचे, सो आज के दिन की शुरुआत सबसे पहले करेंगे नेल पेंट लगाने से। बहुत ज़्यादा दोस्त हमेशा मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं कौन सा नेल पेंट यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ ऐसी का टॉपलेस एंड बेयरफुट। 365 डेज मेरे हैंड्स पे यही वाला नेल पेंट होता है, क्योंकि इसके चिप होने से पता ही नहीं चलता कि आपकी नेल पेंट चिप हो गई है, आपके हाथ खूबसूरत ही दिखते हैं। एंड वैसे भी मुझे मेरी स्किन के कलर पे ये शेड काफ़ी अच्छा लगता है। सो अगर आप ट्राई करना चाहें तो ज़रूर से करें। क्विक कॉस्को ट्रिप। सो कॉस्को का पिद्दी ट्रिप है आज। प्याज, क्रीम, अंडे, बैंगन, नॉट बैंगन, बनाना, मिस्टर क्लीन एंड वेज रावल एंड तेरा मिस्टर केक। सो सर, व्हाट यू थिंकिंग सर? मिक्स बेरी और ब्लूबेरी? आई प्रेफर मिक्स। सो आज मैंने बनाई है अमृतसरी स्टाइल न्यूट्री एंड उसके साथ रुमाली रोटी एंड हरी चटनी मेरे पास लेफ्ट ओवर थी कल की दाल मखनी से एंड अनियन। फ्लेवर दस दो मेनू। आई होप मीट वर्गा फ्लेवर होगा। न्यूट्री से इंस्पायर होके मेरा मन किया है कुलचे बनाने का, जैसे वहाँ पे सर्व होते हैं या हमारे सिटी में छोले के साथ सर्व होते थे। एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी देखी है, मैं बनाने वाली हूँ। आटा गूंद लिया है मैंने। आटा बेसिकली सारा सेम है, बस इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड किया है ईस्ट के साथ, जैसे मैं पिज्जे के लिए गूंदती हूँ। एंड इसको मैंने दूध में गूंदा है, वार्म मिल्क में। फ्यूचर में मैं इसकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद हम इसको प्रूव होने के लिए रख देंगे कुछ देर, लाइक 1.5-2 घंटे बाद अच्छा प्रूव हो गया था, तो मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। एंड पेड़े बनाने के बाद मैं इसको ट्रे में 6-6 पेड़े रख दूंगी, ये बड़ी ट्रे में, और एक बार फिर से इसको हम प्रूव होने देंगे अराउंड 1.5 घंटे के लिए। मुझे लगता है कि कुलचे की रेसिपी के लिए जितना अच्छा आपका डो प्रूफ होगा उतना ही अच्छा कुलचा बनेगा। वंस ये डन हो गया है, जैसे मैंने इनको रखा है उसी तरह मैं हैंड से स्प्रेड करके एक कुलचा बना लूँगी। कोई बेलना नहीं यूज़ करेंगे, कोई रोलिंग पिन नहीं यूज़ करने वाले हैं, सीधा हाथ से ही हम इसको स्प्रेड कर देंगे। एंड मैंने एक्चुअली थोड़ा सा ऑयल लगाया था मेरी बेकिंग ट्रे पे, दैट्स इट। अभी स्प्रेड करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैदा है वो बार बार स्ट्रेच हो रहा था, पर एंड ऑफ द डे कुछ इस किस्म का लग रहा है। एंड मैं कुलचे ना पतले पतले बनाना चाहती हूँ, बहुत मोटे नहीं, जैसे रेडियो पे मिलते हैं। एंड ये कुछ इस तरह के लग रहे हैं, अच्छे मैंने फैला दिए हैं 3-3, 4-4 एक ट्रे में। एंड उसके बाद हम ओवन की हीट करेंगे 400 degrees Fahrenheit। एंड इनको हमें बेक करना है सिर्फ 4 मिनट। कैन यू बिलीव, 4 मिनट। टाइमर लगा लें, अदरवाइज ये बहुत हार्ड हो जाएंगे एंड अजीब हो जाएंगे। पूरे 4 मिनट के बाद कुलचे आपके कुछ इस तरह के दिखेंगे, जो खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप तवे पे सेकें एंड खाएं। गाइस देखें कितने बाजार के स्टाइल के कुलचे मेरे तैयार हो गए। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने इतनी अच्छी रेसिपी क्रैक कर ली एंड जो मैं इतने सालों से मिस कर रही थी अब मैं उनको खा पाऊंगी। सो थोड़े ना कच्चे निकाल लें मैंने, क्योंकि फिर हम उस पर सेकेंगे, अदरवाइज़ अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा कुक करेंगे ना तो ये हार्ड होने शुरू हो जाते हैं। मेरी पहली ट्राई है और मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं इंडियन स्टाइल के जैसे। सो कल की न्यूट्री बची हुई है मेरे पास, अभी इसको सेकेंगे। खूब सारा बटर मेरे पास नहीं है तो मैंने ऑलिव ऑयल लगाया है, मौका गया था, तो न्यूट्री ऐसी है। एंड ये परफेक्ट थाली बन गई है पति के लिए, न्यूट्री कुलचे की। एंड लच्छा अनियन है साथ में, हस्बैंड बिजी हैं और रियल एस्टेट के काम में। प्लाजा की हिस्ट्री देखनी है, जैसे हम लोग करते हैं, हम भी तो वैसे ही करते हैं।
तो उनके रियल्टर्स ने भी यही देखना कि इस प्लाजा में सेम बिल्डिंग रीसेंट कितने की दिखी है। बाय द वे आपको बताना चाहती हूँ मैं, अगर आप कैलगरी में घर खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनकी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, वो एज अ रियल्टर काम करते हैं, सो आपको अपने सपनों का घर दिलाने में आपकी मदद कर सकते हैं, एंड ही इज़ अ प्रीटी गुड गाय। सो अगले दिन ना फिर छोले कुलचे भी बनने चाहिए, क्योंकि कुलचे तो मेरे पास बने हुए हैं, तो मैंने छोले भिगो दिए थे रात को, अब इसको बॉईल कर लेंगे। जब मैं छोले को भिगो के रखती हूँ ना रात को, तो मैं उसको ऐसे स्ट्रेनर से निकालती हूँ, क्योंकि जितना भी आप अच्छी तरह वॉश करो उसमें मिट्टी ना रह जाती है, जब आप देखेंगे नीचे थोड़ी मिट्टी ज़रूर होगी, तो आप भी ऐसे करें। या फॉर सम रीज़न थोड़ा सा स्नो होना शुरू हो गया है, मौसम बड़ा बेईमान हो गया है एंड ग्लूमी ग्लूमी सा लग रहा है, सो या मैंने सोचा आपको थोड़ा सा मौसम का नज़ारा भी दे दें। सो कल मैंने बनाए थे कुलचे, जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा रेसिपी नहीं शेयर की है, पर यस आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया है, क्योंकि उससे अगले दिन मैंने बनाई थी न्यूट्री, जिससे इंस्पायर होकर मुझे लगा कि मुझे कुलचे भी घर पे बनाने चाहिए। एंड कुलचे इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल खूबसूरत एंड इतने परफेक्ट बने हैं कि आज मैंने सोचा कि मैं छोले भी बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने कुलचे बना लिए थे 12-13 एंड अभी मेरे पास पड़े हैं 7-8, क्योंकि कल हमने इतना ज़्यादा खाया नहीं, एंड आज हम खाएंगे छोले कुलचे, क्योंकि ये वाले कुलचों को मैं बहुत मिस करती हूँ। हमारे एरिया में स्पेशली जब हम बच्चे थे तो यही वाले कुलचे मिलते थे, बंद नहीं मिलते थे, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। जल्दी से तैयारी करते हैं। चने को मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया था, अभी तक हुआ नहीं, अब स्पीड कुक करेंगे। समय हुआ है 12:30। जल्दी से प्यारा प्यारा सामान कट लेते हैं, चॉप कर लेते हैं, अनियन टमाटर हरी मिर्च धनिया दिस दैट, एंड प्यारे से छोले करते हैं तैयार। लेट्स डू इट, सो एक्साइटेड। फाइनली आज मैं छोले कुलचे खा पाऊंगी हजारों करोड़ों सालों के बाद। दो टमाटर, खूब सारा धनिया, तो जल्दी से सब्जियां काट लेंगे, अच्छा प्यारा चॉप करेंगे। इसमें आलू बहुत अच्छा लगता है, तो आलू को पील करके मैं बॉईल कर लूँगी माइक्रोवेव में। एंड देन हम आलू को जीरे का तड़का लगाएंगे एंड उसी में सारी सीजनिंग ऐड कर देंगे। मैं इसमें यूज़ करूँगी जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च एंड थोड़ा सा चाट मसाला। एंड जब ये सारा मटेरियल तैयार हो जाता है तो मैं चने में इसको ऐड करूँगी, पोटैटोज़ को, एंड इसके बाद मैं कुक नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जो कच्ची सब्ज़ियाँ ना इनका क्रंच ख़त्म हो जाता है, तो गैस से उतारने के बाद ही सारा कुछ ऐड करेंगे एंड ये बेहतरीन छोले तैयार हो जाते हैं। Smell it. Sir? तू खान ली रेडी है? हाँ हाँ। मैं खान ली हमेशा रेडी। प्यारी है, इस बार तो कुलचे भी कर दे। हाँ। बहुत तो लड़की बेचारा कर दे कुलचे ली। मैं
ਮੇਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਾ ਗੱਲ ਬਣੂ ਬਣੂ ਗੱਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਣੂ ਕੁਲਚੇ ਕੋ ਸੇਕੇਂਗੇ ਐਂਡ ਪਤੀ ਕੋ ਛੋਲੇ ਕੁਲਚੇ ਦੇਂਗੇ ना ये मैगी की स्पाइसी सी सॉस उनको अच्छी लगती है तो उनको इसके साथ दे देंगे एंड गाइस बिलीव बहुत अच्छा बना था प्यारे तेरे खाने तो बाद ही फिर मैं अपने लिए खाऊंगा की चाहिए तो मक्खन लाया होते मक्खन मोकी गया बट ऑलिव ऑयल लाया हाथ से फिसल फिसल के जा रहा है सच्ची जब बंदे की वीडियो बन गया बंदे को पता नहीं चला कि एक्सप्रेशन दिए तो डिवाइड के बंदे नकली एक्सप्रेशन दे देंगे जेड़े मेरे वार के बंदे पाम लेंगे यार ये असली दिलों कड्डिया गाय नहीं तो क्या कर कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं बिल्कुल मेरे को शब्द नहीं सवाल ओके प्रिटेंड करो कि कैमरा बंद है सच्ची सवाल कुलचे बड़े वधिया ना सब कुछ मैं कभी नहीं इदा नहीं खाते इंडिया में नहीं खाते यू आर अमेजिंग अमेजिंग वाइफ ऑफ अ अमेजिंग हस्बैंड अपने आप ने वैसे कि डाइन क्लूड कर लेना ओके दोस्तों तो समय है मेरे लिए कुलचे गर्म करने का मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये कुलचे को देख देख के मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि कितनी वधिया कुलचा बन गया क्योंकि मैं ना बहुत मिस करती थी इंडिया वाले कुलचे मुझे लगता नहीं कब मिलेंगे इस बार जब हम इंडिया गए थे तो खा नहीं पाए थे क्योंकि जो बंद हो कुलचा होता है वो डिफरेंट है बंद छोले ये जो पतले पतले कुलचे होते हैं उसके साथ छोले मिलते हैं वो डिफरेंट फ्लेवर है आई एम ग्लैड कि कामयाब हो गए रेसिपी बनाने में नेक्स्ट वीडियो में मैं रेसिपी बताऊँगी ज़रूर से कि मैंने कैसे बनाए हैं सो खूबसूरत कुलचे के साथ खूबसूरत छोले एंड खूबसूरत मीट बहुत एक्साइटेड है आराम से मज़े ले खाती हूँ मेमोरीज रिफ्रेश होगी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है थैंक यू वेरी मच गाइज मेरा व्लॉग देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर करिए क्योंकि बहुत प्यारी अच्छी गुड क्वालिटी की वीडियोस बनाती हूँ मैं अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी रिक्वेस्ट है तो आप उसे भी कमेंट बार में छोड़ सकते हैं एंड मैं आपको जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो में अपना ख्याल रखें आई लव यू गाइज सो वेरी मच बाय बाय